नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मनेन्द्रगढ़। कोरिया के वन मंडल मनेन्द्रगढ़ द्वारा 3 दिवसीय वन धन विकास योजना के अंतर्गत कार्यशाला का समापन किया गया, जिसमें वन में उपलब्ध वनोपजों की जानकारी ग्रामीण स्व सहायता समूहों को दी गई। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ द्वारा मनेन्द्रगढ़ में आज 3 दिवसीय लघु वनोपज संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आसपास के गांव से आए स्व सहायता समूहों को वनों में उपस्थित अत्यंत महत्वपूर्ण उपजों औषधियों की जानकारी दी एवं यह भी बताया गया कि किस प्रकार सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के द्वारा अब सरकार सीधे स्व सहायता समूह के खातों में उनका प्रतिफल को हस्तांतरित करेगी। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में वनोपजों की पहचान से लेकर उनकी पैकेजिंग, खरीदी एवं विक्रय संबंधी सभी बारीकियों को समझाया गया एवं वनों को किस प्रकार बिना क्षति के वनोपज के द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताया गया। मैं पीआर यादव, उप प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज संघ मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया। सर, ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये कार्यशाला अभी छत्तीसगढ़ शासन की ये मंशा बनी कि अभी तक एक तेंदुपत्ता जो लघु वनोपज है वो राष्ट्रीयकृत है, वो पूरी तरह से शासन खरीदी करता है और उसका भंडारण और विपणन पूरा शासन करता है। लेकिन इसके छोड़ जितने भी हर्रा, बेहरा, आंवला, माहौल पत्ता यहाँ पर जो भी उपलब्ध और हैं, उनका ज़्यादातर व्यापारियों के जरिए मतलब कलेक्शन करते थे हमारे वनवासी, ग्रामवासी, और उन्हीं को बेचते थे। तो कई बार ये हुआ कि इनको सही जो मूल्य उनको मिलना चाहिए, उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य, मिलता नहीं था। इसी दृष्टिकोण से शासन ने एक मूल्य सूची बनाया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। उस न्यूनतम समर्थन मूल्य में ही ये लोग क्रय करें, तो और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कई बार व्यापारी नहीं लेते हैं, कम आने पौने दाम पर लेते हैं। तो इसको दृष्टिकोण मान करके विभाग ये बनाया कि जो ग्राम लेवल में या वनों के ग्राम लेवल में स्व सहायता समूह ये अभी भी कार्यरत है, कई और सरकारी कामों में करते हैं, तो इस काम को भी करेंगे, ऐसा करके इनको लगाया गया है। और इनको कैसे खरीदी करना है, कैसा परिपक्व माल लेना है और कैसा वन विहीन मतलब विदोहन जो है, विनाश विहीन, मैंने किसी प्रकार के जो लघु वनोपज है उनका विनाश मत हो, उनका विकास होता रहे, विकास होते हुए इनका विदोहन करना है और अच्छा क्वालिटी वाला गुणवत्ता युक्त माल लेना है। और इसको 3 स्तर में किया गया है, एक ग्राम स्तर में क्रय करेंगे, उसके बाद ग्राम स्तर में समूह जो रहेगा वो भेज देंगे एक और स्तर, जो हाट बाजार जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ एक हम लोगों ने शासन के मंशा के हिसाब से केंद्र बनाया है, और हाट बाजार में ग्राम स्तर वाले भेजेंगे और वहाँ जो बाजार में आता है वो भी खरीदेंगे। सिस्टम वही रहेगा जो तेंदुपत्ता में कार्ड बनता है, रजिस्टर बनता है, प्रविष्टि होगी पूरी, कितना माल आया, किसका आया, और उनके बैंक अकाउंट के जरिए किसी प्रकार की अफरा तफरी न हो, इसीलिए शासन का ये मंशा है कि बैंक अकाउंट के जरिए और यथाशीघ्र अधिक से अधिक जल्दी उनके खाते में जाएगा। और इसके बाद सभी माल जो है वन धन केंद्र एक रहेगा हमारा बड़ा, जहाँ पर गोदाम भी रहेगा, वहाँ जाएगा, उसमें जो थोड़ा बहुत तो सुखाना है, कुछ करना है, कर करके और उसको गोदाम में रखेंगे। खबर समय जगत के लिए मनेन्द्रगढ़ से नोहर प्रसाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।